सो आज है फ्राइडे और फ्राइडे को मेरी सोसाइटी में कुछ प्रोग्राम तो समथिंग लाइक हो रहा है. मुझे तो कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैं सोसाइटी के ग्रुप में नहीं हूँ. बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं एक्चुअली. सो जो भी प्रोग्राम है वो शाम को पता चलेगा एंड देखते हैं क्या होगा. मुझे देख के तो बड़ा एक्साइटिंग सा लग रहा है तो मैं नीचे जाऊँगी और रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी. सो गाइज आज है 21st October एंड आज ना मेरी सोसाइटी में थोड़ा दिवाली मेला लगा है एंड लास्ट मिनट पे मुझे कुछ शॉपिंग याद आ गई तो मैं वो मेला छोड़ के पहले शॉपिंग करने जा रही हूँ एंड मैं आपको रात का व्यू दिखाऊंगी. मैंने दिन में भी थोड़ा रिकॉर्ड करा था, मैंने बताया था कि कैसा लग रहा है. सो या लेट्स गो. तो गाइज व्याम के लिए आउटफिट सिलेक्शन में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हुई हूँ. कन्फ्यूज बिटवीन दीज टू ब्लू वन एंड ये रोज पेटल का बहुत प्यारा सा कलर है. व्याम ने ऐसा कलर नहीं पहना और ऐसा भी नहीं पहना. सो मम्मी का वेट करें, मम्मी आएंगे तो मम्मी बताएंगे. तो हमने व्यान के लिए सेलेक्ट कर लिया. गेस करो मम्मी ने कौन सा सेलेक्ट करा होगा ब्लू और पिंक में से. लहंगा गढ़वाली गाना सुनते मुझे खुशी हो जाती है. रेशमी रुमाल सच्ची मंडी माता रुचा तेरे दिवाली दिवाली लव दिवाली. ये एक बच्चे को चीज ही खानी होती है. चुप रहो. हैप्पी धनतेरस एवरीवन. मैं खा रही हूँ अभी पोहा. मैंने जस्ट जिम फिनिश करके फिर मैंने दिए खरीदे और मैं पोहा खा रही हूँ. मैंने अपना प्रोटीन भी ले लिया. लड़कों वाली हरकतें करने लग गई मैं थोड़ी थोड़ी. धनतेरस शॉपिंग के लिए जा रहे हैं हम लोग. थोड़ा लेट हो गया है बट कोई बात नहीं. चलो थोड़ा सा गोल्ड शॉपिंग कर लेते हैं. अभी हमने ये वाला ट्राई करा है, मतलब देखना है. हमने ये वाले सेलेक्ट करा ये डिटेल देख. हम बिलिंग के लिए वेट कर रहे हैं और मंगलसूत्र में. फिर से मैं बिलिंग काउंटर में खड़ी हूँ और मम्मी को मंगलसूत्र भी देखना है. जाओ देखो. अब आए हम बर्तन लेने. ये छोटी बारात पसंद आई मुझे, दो जनों के आटा गूंदने के लिए. इतना छोटा सही चलेगा? हाँ इतना ठीक है. छोटी शॉट क्यूट लग रहे ये छोटे से ना थोड़े डेली वेयर के लिए. हाँ बड़े होने भी नहीं चाहिए. वही तो हैप्पी. ये बड़े सेटअप में हमने दिए भिगो दिए हैं. कल मैंने दिए इतने सारे ले लिए क्योंकि बहुत गहरे हैं तो ये बहुत टाइम तक इसमें तेल रहेगा तो ये लंबे समय तक जलते रहेंगे. सारे दिए बहुत अच्छे गहरे हैं और पानी में भिगोना तो यू नो सभी को पता है. तेल कम पियेंगे फिर दिए. और ये पंचमुखी दिया, इसकी स्टोरी किसी को कुछ पता है कि वो जलाते क्या करते मुझे जरूर बताना. दिए का नाम रखा मैंने पिरामिड डायमंड डोनट लहंगा. और ये सारे आपने पेंट करे हैं? यस, सबसे ज्यादा मुझे ये और ये पसंद आई है क्योंकि मासी को भी यही पसंद आए. यू आर सेइंग लाइंग. ओके गाइस, सो आई जस्ट टुक अ शावर और मैंने ना थोड़ी नहाने से पहले अपने बालों में बहुत अच्छे से ऑयलिंग करी थी. ओके सो मैं आपसे एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट शेयर करना चाहती हूँ. इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड. इसके रिव्यूज़ मैंने नायका पे, इसको मैंने ऐसे रैंडमली मुझे टकरा गया तो मैंने देखा कि ओ माय गॉड दिस इज़ फॉर ड्राई स्कैल्प ट्रीटमेंट. एंड क्या होता है कि जब भी विंटर्स आते हैं तो मेरा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो जब भी मैं ऑयलिंग करती हूँ तो वो जितनी भी ड्राइनेस है और जो फ्लेकी स्किन होती है वो इतना ज़्यादा गंदा सा बन जाता है. कभी इचिंग करो तो वो नेल्स पे निकल जाता है. आई डोंट नो आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं बट मेरे साथ अक्सर विंटर्स में ऐसा होता है. तो मैं इस विंटर अपने साथ ये सब नहीं चाहती थी तो
इसलिए मैंने ये बहुत ही महंगा सा प्रोडक्ट नायका से ऑर्डर करा एंड इट्स बिट एक्सपेंसिव. इसके रिव्यूज़ मैं आपको जब मैं यू नो 15-20 दिन हो जाएंगे तो मैं आप लोगों से इसके रिव्यू शेयर ज़रूर करूँगी. रियान अगर मार्क्स नहीं आए ना इस बंदूक से ही ना मारूंगी पकड़ के. ठीक है रियान को हम वो जो होती है ना पटाखे लगा के ऐसे डिशाउन शाउ मारने वाली बंदूक वो लेने जा रहे हैं और मुझे कुछ खील बतासे भी लेने जाने हैं. सो चले everyone. So finally पूरे साल एक फेस्टिवल है जिसका मुझे हमेशा इंतजार रहता है which is Diwali. Yes. और अब दिवाली की तैयारी स्टार्ट होगी शाम के लिए. तो सबसे पहले ना हम बेडशीट लगाने वाले हैं क्योंकि हर साल मतलब वैसे तो हम साल में बेडशीट्स नहीं लाते रहते लेकिन दिवाली में स्पेशली हमारे घर में बेडशीट्स मतलब लगाई जाती है नई एकदम न्यू ब्रांड न्यू. और इस बार मैं बेडशीट लाना भूल गई थी तो कल ही जाकर यानी कि छोटी दिवाली में जाकर हम लोगों ने बेडशीट ली. तो यहाँ पे क्यूट सा बच्चा नहा धो के खड़ा है. सो द वर्स्ट पार्ट इज जो मेरे बेड का सिराना है यानी कि जो हेडबोर्ड है उसे मैंने ऐसे ब्लशी पिंक पे करवा दिया जिसकी वजह से बहुत कम बेडशीट इसके साथ कंट्रास्ट कर पाती है. नहीं तो ऑल द टाइम मेरी मम्मी ये बोलती क्या घटिया सी चद्दर बिछाती है ये तो मैच ही नहीं कर रहा है बहुत डिसबैलेंस हो जाता है. सो मेक श्योर जब भी आप अपना बेड बनाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस टाइप की बेडशीट उस पर यू नो लगा सकते हो और वो आपके बेड को पेयर अप करेगी कि नहीं करेगी. ये मुझे लग रहा है कर जाएगी मस्टर्ड एंड यू नो पिंक का थोड़ा कॉम्बिनेशन बाकी तो अभी से लगा के देखते हैं. सो एक छोटे से बालक के लिए हमने ये लिए. मैं पर्सनली व्यान को दिवाली पे ये पहनाना चाहती हूँ एंड हमारे घर में एक फेस्टिवल कह रही हूँ एक वेडिंग है तो उस वेडिंग में मैं व्यान को ये पहनाना चाहती हूँ. ये नहीं तो मैंने एक ब्लैक कलर का यू नो लखनवी कुर्ता देखा है विच लुक्स सो अमेजिंग लाइक व्यान से पहनेगा. मैं इमेजिन कर रही हूँ कि व्यान कितना ज्यादा स्मार्ट लगने वाला है वो अगर ब्लैक कुर्ता पहनेगा. इफ इन केस उस पे साइज नहीं हुआ तो मेरा दिल बहुत टूट जाएगा. पापा ने लास्ट चीले की बाइट खा ली और पापा ने मुझे याद दिलाई कि तूने तो वीडियो बनाया ही नहीं चीले की. कैसा बना था? फर्स्ट क्लास. पापा को ये चिंग चाइनीज की चटनी मैं लेकर आई थी उसके साथ हमने खाए बहुत टेस्टी लगा. वैसे तो नूडल्स वगैरह के लिए है. दिवाली में इस बार भी टाइम से रेडी नहीं हो पाई क्योंकि आई रियली मिस माई यू नो एल्डर सिस्टर. मेरी बड़ी बहन रंगोली सजावट वाले काम वो कर लेती है मैं बाकी खाना पीना एंड सजना संवरना कर लेती हूँ. अकेले तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है और छोटा भाई मुंबई बैठा है तो कर रहे देखो वो अनार जल रहा है यहाँ पे. मैं सोच रही नीचे जाऊं बट मेरे पास सिर्फ अनार है वो भी डर डर के खरीदे मैंने. गाइज आई एम रेडी. मैं लेट हो गई बट मैं रेडी हो गई. मेरा ना मन नहीं था नीचे जाने का लास्ट मिनट में मम्मी ने बोला कि नहीं बेटा इतनी प्रिपरेशन करी तूने तैयार होना तो बनता और ये नहीं मम्मी. तो गाइज मम्मी ने एक बहुत ही प्रिटी सी ऐसी कांजीवरम स्टाइल में साड़ी पहनी बहुत प्यारा लग रहा है वो मंगलसूत्र. मम्मी ने कहा मंगलसूत्र भी पहना भाई टर्न हो जाओ थोड़ा सा ब्यूटी शॉट दो और घूमो पीछे से पूरा राउंड. मम्मी आप मेरी वीडियो ढंग से नहीं देखी यार मेरी मम्मी को बोलो मेरी वीडियो ढंग से देखा करे. एक्साइटमेंट नहीं मेरा मैं बड़े बहुत साल बाद ऐसे नीचे जाऊंगी नहीं तो मैं घर पे ही पड़ी रहूंगी. मैं से फन लविंग बहुत हूँ लेकिन मुझे साथ चाहिए होता है किसी का और मेरी बेस्ट
पार्टनर इन क्राइम है मम्मी। ये मौसम का जादू है मितवा, काश लोग हमेशा पूरे साल ये लाइट्स जला के रखते, कितना अच्छा होता। मुझे कलरफुल लाइट्स और ये सब बहुत पसंद। गाइज पता नहीं कपड़ों में कितने छेद हो गए हैं, बच्चों के कटा कोई आइडिया है ना। मेरे लहंगे की मुझे टेंशन नहीं, लेकिन मम्मी की साड़ी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। ये ऐसी चीज़ है ना जो सब पहन सकते हैं, मेरा लहंगा तो सिर्फ मैं ही पहन सकती हूँ, मम्मी की साड़ी मैं ही पहनती थी, दी पहन सकती है ना। तो गाइज अब यहाँ पे बन रही है पूरी। कहाँ गई पूरी? अभी तो बिल रही है। तो मैं आपको बोलना चाह रही थी कि हमारे घर पे ना पूरी प्लेन नहीं बनती है, हमारे आटे में अजवाइन, थोड़ा सा जीरा और ये जो आपको घास फूस दिख रही है इसे कहते हैं कसूरी मेथी। ये तीनों चीजें ऐड करने के बाद वो पूरी तो क्या गजब बनती है गाइस, खुशबू ऐसी होती है कि जिस जो पूरी नहीं खाना चाहता वो भी खाएगा। एंड मेरे घर में मैंने हमेशा से कसूरी मेथी वाली पूरी खाई है। अगर आपको खाने में कसूरी मेथी खाना पसंद है ना, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी पूरी बनाओ तो ये वाली पूरी एक बार जरूर ट्राई करना, उसमें हल्का सा जीरा, अजवाइन और कसूरी मेथी, आप दीवाने हो जाओगे इस पूरी के। चलिए अब हम रंगोली का बड़ा दिया हटा के गेट को क्लोज कर देते हैं। हमारे यहाँ ना जब पूजा होने से थोड़ी देर पहले, मतलब जब उजाला रहता है तब से लेके अभी रात तक 12 बजे तक हम अपने दहलीज का गेट खोल के रखते हैं, ताकि लक्ष्मी जी आए हमारे घर में पधारे, उनके लिए हमारा यू नो गेट ओपन रहे। तो अब मैं इसे क्लोज कर देती हूँ क्योंकि सोने का टाइम हो रहा है सबका, और मुझे टेंशन नहीं कि इसके ऊपर से आएगा कि नहीं। लेट्स सी, सेफ्टी सेफ्टी कम फर्स्ट। ओके, दूसरा दरवाजा लॉक, और मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। सो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है DL मीन्स दिवाली लाइट, उसे छोड़ के सारी लाइट ऑफ करनी है। एक लाइट तो ऑन करनी पड़ेगी, नहीं छोड़ो क्योंकि मंदिर की लाइट्स तो ऑलरेडी जल रही है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपकी ये दिवाली कैसी गई, आपने क्या इस दिवाली नया करा, और क्या आपने पिछली चीजें यू नो रिपीट करी, जो भी आपकी प्रिपरेशन है, जो भी आप शेयर करना चाहते हो, आई लव टू रीड दैट कॉमेंट। एंड मैं आपसे बस ये बोलूंगी कि यार मैं इंस्टा पे भी एक्टिव रहती हूँ, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो, ये रहा मेरा इंस्टा हैंडल। विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ओ वेट, हैप्पी गोवर्धन पूजा एंड हैप्पी भैया दूज, अब बाय।